हेलो फ्रेंड्स, आपका जो मेरा टॉपिक है वो है सिक्स सिग्मा। सबसे पहले जान लीजिए कि सिक्स सिग्मा है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, जन्म कहाँ से लिया और किसने इसको बनाया। ठीक है जी। तो क्या है कि जैसे आज के ज़माने में कोई भी आप ब्रांड लॉयल्टी ले लोगे, जैसे कि आप किसी मोबाइल नोकिया सैमसंग का मोबाइल यूज कर लेंगे, अगली बार अगर आपको उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट लगेगा अगली बार उसको खरीदोगे नहीं, क्योंकि आपने तो पैसे देने हैं, हमने तो पैसे देने हैं या कस्टमर ने तो पैसे देने हैं। वो कहीं भी जाएगा, अगर नोकिया सैमसंग अगर ठीक से नहीं आ रहा है, जैसे उसमें डिफेक्टिव आ रहा है, तो आप चले जाओगे आईफोन के पास, कोई और अच्छी कंपनी है उसके पास चले जाओगे। तो यही होता है कि आज कस्टमर में कंपटीशन इतना बढ़ गया है, इतना मार्केट में जो हो कंपटीशन भरा पड़ा है कि कोई भी जो हो डिफेक्ट लेने के लिए तैयार नहीं है, और हाथों हाथ जो हो कस्टमर दूसरे कस्टमर के पास चला जाता है, जो कंपटीटर होता है उसके पास चला जाता है। इसका यही वजह है कि आज कंपटीशन बहुत है। अगर मार्केट में रहना है आपको तो सिक्स सिग्मा के बारे में जो हो नॉलेज लेनी होगी और सिक्स सिग्मा के ऊपर फोकस करना होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए जो हो सिक्स सिग्मा बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले क्या होगी, ये क्वालिटी की बात तो बहुत पहले सालों पहले की चल रही थी कि जो अच्छी क्वालिटी देगा वो मार्केट में टिकेगा, वो इम्प्रूव करेगा, वो बेनिफिट लेगा। तो लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसमें जो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है वो परमाणु हमला किया था, तो क्या होता था कि जापान की जो है आर्थिक स्थिति जो वो उथल पुथल हो गई थी। तो अमेरिका कैसा, जैसे कि एक एक तरफ खुद हमला कर रहा है और दूसरी तरफ उनकी सपोर्ट के लिए जो हो अपना एक प्रोफेसर जो थे उनको भेजा कि वहाँ की जो इकॉनमी है उसको डेवलप कीजिए। ठीक है। जैसे वो वहाँ पे गए तो वहाँ पे देखा उन्होंने कि हालत बहुत ख़राब चल रही थी, जापान तो मान गया था क्योंकि वो उस टाइम डूब रहा था। तो वहाँ पे जाके उन्होंने एक एक जो है कंट्रोल सिस्टम लगाना चालू किया, और अमेरिका के कुछ साइंस जो प्रोफेसर थे, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वो भी क्वालिटी के ऊपर फोकस करते थे, और उनका यही मानना था कि अगर कस्टमर को लीड करना है, अगर कस्टमर को अपने ऊपर आकर्षित करना है तो क्वालिटी जो है मेन फोकस होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो क्या किया कि अमेरिका ने जो हुआ उन प्रोफेसर्स को भी जो वो जापान भेजा, जापान मान गया, तो उन्होंने एक एक करके जो है वहाँ पे जाके क्वालिटी कंट्रोल लगाना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले वहाँ पे ऐसा नहीं कि एकदम से सिक्स सिग्मा आ गया, वहाँ पे तीन चार जो हो नाम उभर के सामने आए, TQM बेंच मार्क, उसके बाद सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा जो है वो एक मेनली आपके माइंड में भी, हर एक के माइंड में जो एक डिफरेंट ओवर है वर्ल्ड है सिक्स सिग्मा। तो दोस्तों सबसे पहले सिक्स सिग्मा मेन यही डेफिनेशन है, जीरो डिफेक्ट। तो कहीं भी आप अगर इनके सिक्स सिग्मा की बात आती है तो जीरो डिफेक्ट। ठीक है। तो आपने इसके बारे में सुन लिया। अगर जापान की छोटा सा देश है, वहाँ की एक टोयोटा कंपनी है जो कि एक सिक्स सिग्मा प्रोडक्ट बनाती है, और सिक्स सिग्मा सबसे पहले उसी ने जो वो डेवलप किया। ठीक है। और होंडा कंपनी ले लीजिए, आप भी बहुत प्रेफर करते हैं होंडा टोयोटा, क्योंकि वो जैपनीज कंपनी है, वो जो सिक्स सिग्मा पे फोकस करती है। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो सिक्स सिग्मा है जीरो डिफेक्ट। ठीक है। और मेनली जो है वो सिक्स सिग्मा को इस तरह से डिनोट किया जाता है, ये लिख लीजिए साइन जो है सिक्स सिग्मा का, ये वाला साइन जो है सिक्स सिग्मा का है। ठीक है। अगर टू सिग्मा में कितने परसेंट अगर आपका प्रोडक्ट ओके है तो आप टू सिग्मा में बनाओ, 69.1% अगर आप प्रोडक्ट ओके बना रहे हो तो जो है वो आपका भी टू सिग्मा है। ठीक है। और 93.3% अगर आप ओके बना रहे हो तो आप थ्री सिग्मा में। इसी तरह से फोर सिग्मा 99.4%, फाइव सिग्मा 99.98%, और सिक्स सिग्मा जो है 99.9997%, ये है सिक्स सिग्मा। मीन्स 3.4 डिफेक्ट पीस पर डिफेक्ट। ठीक है। 340,000 पीस बनने के बाद अगर एक डिफेक्ट करता है तो वो सिक्स सिग्मा में आती है। ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि 100% जो ओके वो कोई नहीं बना सकता, थोड़ा डिफेक्ट आएगा, लेकिन 340,000 पीस बनाने के बाद जो एक अगर थोड़ी प्रॉब्लम करता है तो वो सिक्स सिग्मा में कहलाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसमें जाना कि हिस्ट्री क्या है, जन्म कहाँ से लिया, उसके बाद सिक्स सिग्मा क्यों जरूरी है, क्योंकि आज कंपटीशन इतना भरा पड़ा है कि जो है वो हमें क्वालिटी देनी ही होगी अगर इनके इस मार्केट में सर्वाइव करना है। कंपटीटर बहुत हैं, कंपटीटर को मार देनी है तो जो है क्वालिटी पे फोकस करना ही पड़ेगा।
एक मैं बात बताता हूँ, जापान की बात चल रही है, तो इंडिया की एक ब्रांड, हम जिसको ब्रांड मानते हैं उस कंपनी ने, मैं नाम नहीं लूँगा, उस कंपनी ने क्या है कि जापान में एक ऑर्डर दिया कि आप हमें 3 लाख पीसेस जो है वो ये बना के दे दीजिए, लेकिन इसमें हमारी जो टॉलरेंस है सिक्स सिग्मा में जो वो टॉलरेंस की बात नहीं की जाती। आज के ज़माने में कस्टमर जो है इनटॉलरेंट हो गया, टॉलरेंस वो चाहता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि उसने ब्रांड जो हम मानते हैं कंपनी ने जापान को दे दिया कि हमें 3 लाख पीस चाहिए। तो वहाँ से उन्होंने बोला कि 3 लाख के ऊपर अगर 3 डिफेक्टिव पीस हैं तो वो चलता है, हमारे इतना टॉलरेंस है। तो जापान ने क्या किया कि 3 लाख पीस जो बिल्कुल ओके बनाए सिक्स सिग्मा के बीच में, और 3 डिफेक्टिव पीस अलग से उन्होंने, जब प्रोडक्शन होगी 3 लाख की तो अलग से 3 प्रोडक्ट जो हो बनाए, कि उन्होंने 3 प्रोडक्ट जो हो डिफेक्टिव बनाने के लिए बोला है 3 लाख के ऊपर। तो जब उनकी गिनती स्टार्ट होगी, वो वापस इंडिया में आया प्रोडक्ट, उनकी गिनती स्टार्ट होगी, 3 लाख तो थे, 3 लाख तो ओके निकल गए, 3 जो हो अलग से उन्होंने पैक किए हुए थे उस पर लिखा हुआ था कि टॉलरेंस। तो तब उनसे बात की गई, जो जापान के हाई प्रोफेशनल इंजीनियर थे उनसे बात की गई, तो उन्होंने बोला कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो टॉलरेंस नहीं है। हमने सोचा कि अगर मार्केट में आइंदा भी ऑर्डर लेना है तो जो है वो टॉलरेंस के दे देते हैं, 3 पीस उनको जो है डिफेक्टिव पीस दे देते हैं। हमने सोचा कि शायद आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो इस तरह के प्रोडक्ट भेजती होगी या कुछ ऐसा। तो उसके बाद जो है वो बहुत ही बात सुनने के लिए अजीब सी लगती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा ग्राफ के जरिए कि कैसे सिक्स सिग्मा, कैसे आप ग्राफ बनाते हैं, कैसे समझते हैं। लेकिन अभी जो इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, पूरी देख लीजिए, क्योंकि सिक्स सिग्मा जो है एक ब्लैक बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट है, तो सिक्स सिग्मा खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो मेनली जो है वो थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि सिक्स सिग्मा में ये है। ये एक वीडियो में क्या 10 वीडियो भी बना दिए सिक्स सिग्मा पे, वो भी कम्प्लीट नहीं होगी। लेकिन मेनली टॉपिक जो है हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ठीक है इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, कैसे सिक्स सिग्मा में काम करना है, कैसे इसकी वैल्यू पुट आउट करनी है, कैसे उसको डिफाइन करना, वो मैं जो कंप्लीट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। तो तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।